गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी पहली रात? नींद तो अच्छी आई ना? कुछ खास नहीं, अचानक रात को एक मक्खी हमारे टेंट में घुस आई थी। एक मक्खी? हाँ, हमें लगा सच्ची मक्खी के काटने से कहीं हम कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में ना चले जाए, इसलिए हमने तय किया कि एक रात के लिए कमरा बदल लेते हैं। बड़ी अजीब बात है, एक मक्खी, पर मैं देखता हूँ। एनीवे, मैं जानता हूँ आप आज के गेम के लिए उत्साहित हैं। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। पास ही एक राइनो जन्म देने वाली है। यादगार नजारा होगा, मजा आ जाएगा, आप देखेंगे। थैंक यू फिलिप्स, मगर आप बिजी हैं, आप किसी गाइड को क्यों नहीं भेज देते? नहीं 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 नहीं, हमारे ओनर्स बहुत पर्टिकुलर हैं, आप हमारे खास मेहमान हैं, मैं आपको ले जाऊंगा। चलिए ठीक है, जल्दी कीजिएगा। यप, क्या कमाल की मजेदार चीज है ना? वही तो, सोच सकते हैं गेंडे की प्रसव कहानी, ये चीज तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक में देखने को मिलती है। या एनिमल प्लैनेट में। हाँ, मोबाइल की बैटरी चेक कर लेता हूँ, बहुत सारे फोटोज लेने। मैं भी कर लेता हूँ। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, तब तक मैं जरा ओनर से मिलकर आता हूँ। काका बाबू, जल्दी आइएगा। राइनो, बढ़िया है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको इस होटल के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर। दरअसल ये इतना खूबसूरत होटल है और अभी तक अच्छा खासा चल भी रहा है, तो आपको इसे बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने सोचा था मेरे बाद मेरा बेटा इसे चलाएगा, पर उसने साफ मना कर दिया, तो मैंने इसे बेचने का फैसला किया और फंस गया। फंस गए? जैसे ही ये खबर बाहर आई, निंजाने और उसके इंडियन पार्टनर ने मुझे फोन किया। कहने लगे कि 6 महीने होटल चलाकर देखने के बाद कीमत तय करेंगे। मैंने बेवकूफी की है उनकी बात मानकर। आपका मतलब है कि वो लोग होटल बुरी तरह चला रहे हैं और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं ताकि ये होटल उन्हें सस्ते में मिल जाए? बिल्कुल सही है। अब कल रात ही बाहर आग नहीं जल रही थी, उन्होंने मेरे मसाई गार्ड्स हटाकर यहाँ के आलसी शहरी लोगों को रख लिया। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। निंजाने की गवर्नमेंट में बड़ी पहुंच है, और जहां तक कब्जे की बात आती है तो वो और उसका पार्टनर बहुत ही ज्यादा बेरहम है। वो लोग मेरा खून भी करवा सकते हैं। और वो जर्मन टूरिस्ट, वो तो जरूर गायब हुए। आपको लगता है कि उन्हें अगवा कर लिया गया? कुछ भी हो सकता है, पर मैं उनके बारे में एक बात बता सकता हूँ, वो आम टूरिस्ट नहीं थे, वो भाड़े के गुंडे थे जो पैसों के बदले लोगों को मार देते थे। सिर्फ लोगों को या साथ में जानवरों को भी? मिस्टर लिविंगस्टन, क्या आप मुझे बता सकते हैं हैरी ओटांगो के साथ आखिर क्या हुआ? ओ जनाब, अब चले? इस मैनेजर और आपके भतीजे ने जल्दी मचाकर दिमाग खराब कर दिया। चलिए ना। आइए सर, चलते हैं, वरना हम डिलीवरी मिस कर देंगे। सुना आपने? जरूर। तो इजाजत दीजिए सर, हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। चलिए जल्दी चलिए। चलिए सबसे आगे जाएंगे वो, सबके पीछे भी रास्ता दिखाएंगे वो, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं।